हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टैक्सिकॉन इंडिया में आपका स्वागत है एक बार फिर से। एंड हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नया टॉपिक है हमारा एमसीबी की रेटिंग को कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इट कैन बी सिंगल फेज और थ्री फेज, उसमें अगर हमें एमसीबी को यूज करना है, जो कि बेसिकली करना होता है, तो वो किस रेटिंग की एमसीबी होनी चाहिए। इसमें टॉपिक समझने के बाद में आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे कुछ याद रखना पड़ेगा या कुछ रटना पड़ेगा, नहीं, आप इसे सिंपल कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे दो पार्ट कर लिए हैं पेज के। इसमें सपोज दैट हमारे पास में सिंगल फेज कोई सर्किट है एंड थ्री फेज सर्किट है, तो दोनों के लिए मैं बताऊँगा कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हम सिंगल फेज में 1 किलो वॉट की बात करेंगे, ठीक है। एंड थ्री फेज में हम करेंगे 5 किलो वॉट की बात, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास में जो सिंगल फेज सर्किट है जिसमें एमसीबी यूज़ करनी है, वहाँ पे 1 किलो वॉट का लोड है, ठीक है। एंड हियर इन थ्री फेज हमारे पास में 5 किलो वॉट का लोड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि करंट निकल जाएगा तो जो एमसीबी होती है, एमसीबी का रेटिंग एम्पियर में ही होती है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी एमसीबी लगानी पड़ेगी, ठीक है, सर्किट में। तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में कि जो पी है ये ऑलवेज इस फॉर्मूले में वॉट में होना चाहिए, और जो अपने पास में पावर की रेटिंग होती है ये कहीं पे किलो वॉट में होगी, कहीं पे वॉट में होगी, कहीं पे मोटर के केस में एचपी में भी होगी, है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जो पावर है वो वॉट में होगी, तो अपने पास में 1 किलो वॉट है, तो 1 × 1000। एंड हियर वी वी क्योंकि हमारा सिंगल फेज है, तो 220 यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो आप अपने सर्किट में चेक करके एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो उसमें जो इसकी कैलकुलेशन में एम्पीयर रह जाएगी, उसकी एक्यूरेसी बेटर होगी, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें 1000 / 220, ठीक है। एंड इस साइड अगर हम 5 किलोवाट की बात करें, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो यहाँ पे पी 5 × 1000 एंड डिवाइड बाई इसमें जो वोल्टेज होगा, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो इसमें फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी है, इसमें √3 का मल्टीप्लाई होता है थ्री फेज में, अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज 415 ले सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि आप अपने सर्किट में चेक करके भी लिख सकते हैं, उससे एक्यूरेसी गुड आएगी। इसके बाद में यहाँ पे √3 आप जानते हैं 1.732 होता है, तो यहाँ पे जो इनका आंसर आएगा, जो करंट निकल के आएगी एग्जैक्ट, वो कैलकुलेशन करने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे 4.5 एम्पियर, ठीक है। तो सिंगल फेज में अगर 1 किलोवाट का लोड है, तो जो फुल लोड करंट होगी वो 4.5 एम्पियर होगी, ठीक है। इसके बाद में थ्री फेज में अगर 5 किलोवाट का लोड है, तो इसमें जो करंट निकल के आएगी ये आएगा 5000 & 718 अप्रॉक्स। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये आएगा हमारा 6.96, जो कि अप्रॉक्स है हमारा 7 एम्पियर के, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में एम्पियर आया करंट, वो सिंगल फेज में आया 4.5 एंड थ्री फेज में आया 7 एम्पियर, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं कि कभी भी हमें एमसीबी यूज करनी है, तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए उसे यूज किया जाता है। तो उसमें आपको 15 to 25% का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपका सर्किट ऑटोमेटिकली एमसीबी ट्रिप ना कर जाए। तो कुछ इसमें इतने का मार्जिन लेके चलना है,
तो एप्रोक्स हम मान लेते हैं इसे कि 20% हम प्लस जो भी ये करंट आई है उसमें 20% को हम ऐड कर लेंगे, 15 to 25 कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने बीच में कुछ ले लिया 20%, इसको हम ऐड करेंगे तो जो रेटिंग आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमें लेनी पड़ेगी MCB। ठीक है, तो 20% की अगर बात करें तो 4.5 का 20% ये आ जाएगा, तो बेसिकली ये करना पड़ेगा 4.5 डिवाइड बाई 5, तो ये 0.9 आएगा। ठीक है, एंड इधर अगर हम बात करें तो 20% प्लस इसका भी निकालना है, तो इसमें आएगा 7 एम्पियर इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो ये 7/5 आएगा जो कि हमारा 1.4 के इक्वल होगा। ठीक है, 1.4 के इक्वल, राइट। तो इतना एम्पियर हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा और 0.9 एम्पियर हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो जो हमें MCB की रेटिंग लेनी है, MCP किस रेटिंग की लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए 4.5 प्लस 0.9, राइट, तो ये कितना आएगा 5.5 एम्पियर, करेक्ट है। अब इधर देख लेते हैं, इधर हमारा आया 7 एम्पियर प्लस 1.4 एम्पियर, तो कितना आया MCB कितने की हमें लेनी है इधर, और ये लेनी है 8.4 एम्पियर की, करेक्ट है। अब आपने देखा होगा कि MCB की रेटिंग किस हिसाब से होती है, MCB की रेटिंग होती है ये 1 एम्पियर की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 एंड 63, जो MCB की रेटिंग होती है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, MCB की रेटिंग 1 to 63 एम्पियर तक होती है, और उसमें ये अवेलेबल होती हैं, राइट, इतने एम्पियर की आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर इस केस की बात करें तो इस केस में हमारे लिए कौन सी MCB, 5 एम्पियर की तो नहीं लेंगे, 5.4 है, तो इसके लिए हम 6 एम्पियर की MCB को यूज करेंगे, प्लस की लेनी है, कम की नहीं लेनी, जो भी हमारा यहाँ पे आएगा उससे कुछ ना कुछ प्लस हो तो गुड है। दूसरा, इधर 8.4 है, 8 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए जो हम MCB लेंगे वो लेंगे 10 एम्पियर वाली। ठीक है, तो ये MCB को रेटिंग को फाइंड करने का तरीका है कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमारे सर्किट में कौन सी MCB यूज होगी। दूसरा, आपको मैं ये भी बता दूं, आपने देखा होगा MCB पे लिखा रहता है लाइक BCD एंड और भी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो BC में से कोई होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा 32C MCB पे लिखा रहता है, तो वो आप घर में यूज कर सकते हैं। डी कोडिंग वाली MCB आप घर में यूज नहीं करेंगे, ये वेल्डिंग मशीन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, एंड इस टॉपिक पे कि BCDF जो इसमें कोडिंग आती है एम्पियर के साथ में, उस पर भी नेक्स्ट आने वाले टाइम पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसको आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, इसको भी आपको क्लियर कर सकते हैं, इस टॉपिक को भी। ठीक है, तो होप कि ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैसे एम्पियर रेटिंग निकाल सकते हैं MCB की, या हमारे सर्किट के लिए कौन सी MCB सूटेबल होगी। ठीक है।